नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल राइट। बरेली राजेंद्र नगर पार्क ए ब्लॉक में शहीद पंकज अरोड़ा पार्क में पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार द्वारा तिरंगे का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर गुलशन आनंद, शहर विधायक अरुण कुमार, भाजपा महानगर अध्यक्ष के एम अरोड़ा, पार्षद सतीश अम्मा, पार्षद शशि सक्सेना, शहर महापौर उमेश गौतम उपस्थित रहे। बरेली से अमरजीत की रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की। अब जितना रहना उतना ही रहना ना। आपको बताऊं तो मेरे गाड़ी पड़ेगी, फोटो खराब हो जाएगी। रंग में रंगे हुए इससे खूबसूरत कोई बात नहीं है। बरेली में एक नजारा और जुड़ गया है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। थोड़ा सा आगे आते रहिए झंडे को लेकर जी, थोड़ा सा आगे आते रहिए, थोड़ा थोड़ा और आराम से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। बोलिए भारत फहराने का काम किया है। वो अपने आप में एक ऐतिहासिक है और हमेशा याद रखने वाला है। और पूरी पार्टी यहाँ पर, हमारे मेयर साहब, विधायक जी सब यहाँ पर उपस्थित हैं। और वास्तव में शहीदों को श्रद्धांजलि देने का हमेशा समय रहता है, उनको याद करते रहना चाहिए। उन्होंने देश के लिए जो कुर्बानी और आज़ादी के लिए संघर्ष किया है, मैं अंडमान भी रहकर आया हूँ तो मैंने वहाँ देखा और महसूस करा है। और देश की रखवाली के लिए इन लोगों ने जो अपनी कुर्बानियाँ दी हैं वो कभी हम भूल नहीं सकते हैं। तो आज वास्तव में ये ध्वज जो लगा है, ये वास्तव में शहीद पंकज अरोड़ा को याद कर रहा है। और वास्तव में उनके परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि वास्तव में वो आज एक समस्या के बाद भी यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरा ठीक करना चाहेंगे, बरेली के विकास में बड़ा अहम योगदान हो रहा है। देखिए आज शहीद पंकज अरोड़ा जी के पार्क में उनके नाम से आज 100 फुट का राष्ट्रीय ध्वज आज फहराया गया है। ये पूरे बरेली की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे आदरणीय सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री संतोष गंगवार जी के करकमलों से आज पूरे क्षेत्रवासियों ने उसमें हाथ लगाकर आज इस झंडे को फहराया है। और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बड़ी श्रद्धांजलि और इस शहीद परिवार के लिए नहीं हो सकती। ये विनम्र श्रद्धांजलि पूरे बरेली वासियों की तरफ से उनके पूरे परिवार के लिए है, क्योंकि शहीद पंकज अरोड़ा जी ने जो अपने लिए, देश के लिए जो अपनी जान दी, उसके लिए इससे बड़ी श्रद्धांजलि हो नहीं सकती। मुझे लगता है कि इससे और प्रेरणा भी लोगों को मिलेगी, लोग इसको भी देखेंगे और आने वाले समय में उनको और अच्छे तरीक़ों से उनको याद रखा।